परमेश्वर नामों से बहुत महत्वपूर्ण नाम जोर से बोलो नाम किसी को बोलो कोई बेनाम नहीं है ना इधर सबका नाम है जोर से बोलो मेरा नाम है अगर मेरा नाम है तो कितना अधिक परमेश्वर का भी नाम है हमारा एक परमेश्वर है उसको कई नामों से जानते हैं जोर से बोलो एक परमेश्वर और कई नामों से जानते हैं जो व्यक्ति नामों से उसे पहचानता है उसकी आशीषों को वो पाता है जी पूरा बाइबल क्या है परमेश्वर के बारे में क्या है जो से बोलो ना परमेश्वर के बारे में पूरा बाइबल परमेश्वर का प्रगतिकरण हेलो लोहिया जो व्यक्ति बाइबल में परमेश्वर को पाता है वो पक्का आशीष पाता है रेवलेशन यानी कि लिखित वजन आपको क्या करता है रीमा वर्ड बनता है उसको बोलते हैं रेवलेशन उसको बोलते हैं प्रकाशन हेलो लोहिया इसलिए जब परमेश्वर देखो वचन कई लोग दुनिया भर के सब लोग वचन पढ़ते वो आशीष नहीं पाते पर परमेश्वर जिसे प्रकाशन देता है वो आशीष पाता है अगर वचन परमेश्वर के बिना आप पढ़ता है आप कुछ नहीं पाएंगे पर वचन आप परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जो तो लेखक है आप पढ़ते हैं आप उसमें प्रकाशन पाएंगे आप उस आपके जीवन में वो ज्योति आपके पाँव के लिए वो ज्योति बनेगा किसी okay. को बोलो नाम इंपॉर्टेंट है उत्पत्ति एक उसका एक आदि में आ, कौन बनाया आदि में आदि में परमेश्वर परमेश्वर ने सब कुछ का शुरुआत परमेश्वर परमेश्वर का बिना कुछ भी नहीं जो से परमेश्वर के बिना परमेश्वर सब कुछ चालू करता है सब कुछ खत्म करता है। आपका, है आपका जीवन का चालू परमेश्वर है आपका जीवन का खत्म खत्म नहीं होता अनंतकालिक है वो परमेश्वर है परमेश्वर अनंतकालिक परमेश्वर मैं हलो लोहियालॉट जितना आपको परमेश्वर का प्रकाशन होगा उतने ही आपके जीवन में आप विजय पाएंगे वापस बोलता हूं जितना आपको परमेश्वर का प्रकाशन होगा आप जीवन में विजय पाएंगे इसलिए मूसा और पौलोस सबसे ज्यादा बाइबल में इस्तेमाल किया गया व्यक्ति अंतिम दिनों में वो कहता है मैं परमेश्वर को और जानू हर रोज बोलो मैं परमेश्वर को और जानू जितना आप परमेश्वर को जानेगा जितना आप यीशु को जानेगा जितना आप पवित्र आत्मा को जानेगा उतना आप आशीष पाएंगे उतना आप उन्नति पाएंगे हेलो रही लॉर्ड हर रोज बोलो प्रभु जी मेरी आंखें खोल दे तुझे जाने तू जैसा है तो आप बोलता है परमेश्वर आपके लिए खुलता है हेलो लोहिया रही लॉर्ड कितना लोग सुन रहे परमेश्वर के लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट जोर से बोलो नाम हेलो लोहिया परमेश्वर के लिए क्या है नाम बहुत इंपॉर्टेंट अनोख कौन था अनोख डेडिकेटेड व्यक्ति था समर्पण करने वाला व्यक्ति थे पैंसठ साल तक आनोक परमेश्वर को नहीं जानते थे पर जब पैंसठ साल में परमेश्वर को जानने लगा तीन सौ साल तक परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर उसे उठा लिया डेडिकेटेड था वो एब्राहम कौन है इब्राहम जातियों का राष्ट्रों का पिता बना जबकि खुद का बेटा नहीं था अब्राहम मतलब फादर ऑफ नेशंस याकूब का मतलब धोखा देने वाला परमेश्वर ने याकूब को इसराइल बनाया इसराइल का मतलब राजकुमार योसुफ योसुफ का मतलब अडिशन गुणवंत करने वाला मैन मूसा का मतलब निकाला गया हलो दुनिया से परमेश्वर ने उसे निकाला राष्ट्रों के लिए वो आशीष बना हेलो लोहिया वही कितना लोग सुन रहे इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मैन या बेस दर्द लोहिया पर वही व्यक्ति वो, वो प्रार्थना लिखा आज दुनिया भर में उस प्रार्थना के द्वारा वो उस, उसे पहचानते हैं हेलो लोहिया इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है पारा नाम को मैं जल्दी से बोलने वाला हूँ किसी को बोलो पकड़ो से बोलो पकड़ो हमारा एक परमेश्वर है पर अनेक नामों से जानते पुराने नियम में परमेश्वर को नामों से जानते थे नामों से वो आशीष को पाते थे नामों से वो चंगाई को पाते थे नामों से वो गुणवंत होते थे बाजपन का फ्रूटफुलनेस नामों से आते हैं हेलो लोहिया सुन रहे है? पहला नाम जोर से बोलो एलो के बोलो एलोहिम पहला नाम क्या है एलोहिम आपको मालूम है पुराने नियम में एलोहिम अढ़ाई हजार सत्तर बार लिखा गया है एलोहिम एलोहिम कितने बार इतना पावरफुल है हलो पुराने नियम में परमेश्वर के नाम से वो विजय पाते थे नाम से वो चंगाई पाते थे एलोहिम एलोहिम का मतलब करने वाला माइटी गॉड ऑसम गॉड ढ़ाफटलू को बहुत से नाम है नाम की सामर्थ को पहचानो जिसे बोलो पहचानो हालेलुया ग्रेटनेस गॉड महिमा वाला परमेश्वर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड क्रिएटिव गॉड परमेश्वर क्रिएट करता है आदम को मट्टी से सृष्टि किया हालेलुया सारा भूमंडल को बोली से सृष्टि किया वो क्रिएटर है एलोहिम जैसे बोलो एलोहिम आमेन गवर्न करता अथॉरिटी है अगर कोई अधिकार है तो परमेश्वर अधिकार वाला व्यक्ति तो अथॉरिटी है आओ हम को ने पट्टी को बनाए उसके नाकों में फूका अब वो जीवित प्राणी बन गया हमारा आप तब से चलने फिरने दौड़ने लग गया किसी को बोलो समझ रहे है? करने वाला। जीवन में अगर मौत है तो परमेश्वर मौत को हटाकर जीवन देगा वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है वो जीवन इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही जीवन हूं मैं ही सत्यू से बोलो कुलोशी एक उसका सोलह कुलोशिया एक उसका सोलह क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई मसीह में, में. एलोहिम कौन है क्रिएटर गॉड वो कौन है यशु मसीह उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई स्वर्ग की हो स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की अथवा पृथ्वी की देखी देख हाँ या अनदेखी देखी या अनदेखी क्या सिंहासन क्या सिंहसन क्या प्रभुताए क्या प्रभुताएं क्या प्रधानता है क्या प्रभुताए प्रधानता है क्या अधिकार क्या अधिकार सारी वस्तुएं सारी वस्तुएं उसी के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा और उसी के लिए की गई है उसी के लिए सृष्टि सृष्टि गई है जोर से बोला प्रभु मुझे क्यों बनाया क्यों बनाया क्यों धरती में रखा यीशु मसीह के हमारे आपको पर, परमेश्वर बनाए यीशु मसीह के लिए जो बोलो मैं यीशु मसीह के लिए हूं इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं पाप के लिए मर गया मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं हालेलुया दारू के लिए नहीं तंबाकू के लिए नहीं छोकरीबाजी के लिए नहीं यीशु के लिए जो जो बोलो मैं यीशु के लिए हूं मेरा शरीर में अगर किसी का परमिशन है तो सिर्फ यीशु मसीह का मैं यीशु के लिए हूं होंगे एलोहिम हमेशा पवित्रता के बारे में हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है अपवित्र को देख नहीं सकता सुन नहीं सकता अगर पिता के पास कोई जाता है खत्म हो जाएंगे वापस बोलता हूं वो बसम करने वाला आग है वो पवित्र है इसलिए यीशु मसीह को धरती में मुझे और आपको बचाने के लिए आना पड़ा मैन पिता परमेश्वर हम सबको यीशु मसीह के द्वारा देखता है।, है कोई सुन रहा मुझे हलो लोहिया सुन रहे वो पवित्र परमेश्वर पवित्रता की घोषणा करते इसलिए यीशु मसीह बोला जैसा मैं पवित्र है तू पवित्र वो पवित्र रहने का लोहिम पिता लोग सुन रहे यहोवा परमेश्वर को रिवील करता है परमेश्वर को प्रगा प्रगत करता है यहोवा परमेश्वर को प्रकट करता है एलोहिम परमेश्वर का इंट्रोड्यूस करता है एलोहिम क्या करता है? परमेश्वर को इसलिए यीशु से आकर धरती में क्या बोला क्या बोला मैं पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूं जो मुझे देखा वो पिता को देखा मैं वही काम करता हूं जो पिता करते हुए देखा है तो परमेश्वर ये लोहिम यानी कि यीशु मसीह पिता को प्रकट करने आए कितना लोग सुन रहे देखो धरती में मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते थे परमेश्वर कौन है खाली आवाज सुनते थे पुराने नियम पूरा दस से दलौट परमेश्वर यू कहता है खाली आवाज सुनते थे और यीशु मसीह आकर बोला परमेश्वर कैसा है परमेश्वर कैसा है मेरा जैसा तू मुझे देखा तो परमेश्वर को देखा तू मुझे जो काम करता देखा वो पिता परमेश्वर वही काम करता है और तुम भी यही काम करो हालेलुया कोई सुन रहा मुझे क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं यानी कि यलोहिम यीशु मसीह को प्रकट योहना ने एक उसका एक में लिखा है आदि में वचन था वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर वचन देधारी बना कौन है वचन यीशु मसीह कितना लोग सुन रहे, और हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको दो टाइम का खाना देगा कि नहीं अरे भाई खाना को ऐसा सृष्टि कर देगा ना जिंदगी भर खाते रहेगा तो भी खत्म नहीं होगा सुन <laughs> रहे? सृष्टि का खाना आपके सामने ऐसा सृष्टि कर देगा ना अरे आप सोचो किसी को बोलो सोचो किसी को बोलो सोचो बीस लाख को मन्ना देकर हर रोज खिलाते थे ए, कोई सुन रहा मुझे बीस लाख मूसा के अधिकार मूसा के अधीन में बीस लाख को हर रोज मन्ना देकर खिलाते थे समुद्र आ गया नदी आ गया नदी को बोलो भाग हो जाए दो भाग हो जाए और वो पार गए समझ रहे परमेश्वर परमेश्वर कुछ भी कर सकता है कितना लोग विश्वास करेंगे मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है घर नहीं है तो घर बना देगा भाई दे, बना देगा तो मुझे मैं जब आपके जीवन में मरावस्था है मत मत डरो मत बोलो दुनिया की बोलो बोलो नहीं मरा हुआ को जीवन देने के लिए मेरा यीशु शक्तिशाली है उसके लिए कोई बात असंभव नहीं मुमकिन को वह मुमकिन करेगा बोलो क्रिएटर जैसे बोलोम मट्टी का पुतला से बना दिया तुम मुझे और आपको बोलो ना मट्टी का पुतला से एक कहानी नहीं है भाई हकीकत है अच्छा मट्टी है। का पुतला में फूंक दिया किडनी आ गई आंख आ गई है कान आ गई है सेंसस आ गई है आज पूरा दुनिया में आपको मालूम है सारी सेंसस हमारा शरीर में जो परमेश्वर बनाए उस सेंसर को देकर आज दुनिया वाले वो सेंसस को बनाते हैं गाड़ी का वाइपर चलता है मालूम है क्यों क्या देख के बनाया गाड़ी का वाइपर पानी मारते वाइप करते हमारा आँख का टे, टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी की देख के गाड़ी वाला ने वाइपर का टेक्नोलॉजी नहीं फिल्ट्रेशन होता है कितने केमिकल कंपनीज में फिल्ट्रेशन होता है बता कि नहीं अरे मेरे को ऐसा देख रहा कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ कुछ नहीं भाई नहीं समझा किसी को पूछा नहीं समझा पानी और खाना दोनों आगे से डालते हैं पानी आगे से आता है गोटा पीछे से जाता है टेक्नोलॉजी भाई ये फिल्ट्रेशन है अभी भी कोई समझ नहीं वापस बचा <laughs> परमेश्वर का टेक्नोलॉजी है हमारा आप परमेश्वर के कारीगरी है बोला हाथ उठा के बोले धन्यवाद चिल्ला के बोले ना धन्यवाद हर रोज बोलेगा प्रभु जी आप जो कला मुझ में किया ना कोई नहीं कर सकता आंख कान मुंह बत्तीस दांत दिखता ना क्या अद्भुत काम करते हैं भाई किसी को बोलो अद्भुत काम करते हैं? मिक्सर का काम करते हैं मिक्सर कैसे बना माय गॉड साइंस में जा रहा हूं दांत का काम क्या करता है चबा चबा चबा, 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 चबा। पर प्रॉब्लम क्या है ना चौबीस घंटे चबाते रहता इसलिए दांत सड़ रहे हैं गम सड़ रहे हैं किसी को बोलो चौबीस घंटा नहीं तीन फास्टिंग ले रहा तीन दिन एक ही टाइम खाओ भाई आपका दांत भी अच्छा हो जाएगा गम भी अच्छा हो जाएगा <laughs> सुन रहा है मुझे जोशी बोलोम चला के बोलो बोलो <laughs> <जोसे> बोलोम <Elohim. laughs> पहला नाम क्या है सब कुछ सृष्टि कर सकता आपके जीवन में मरा हुआ अवस्था को जीवन दे सकता है Amen. कौन सा परेशानी से आप गुजर रहे हैं प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है वो एल है। वो सब कुछ प्रबंध करने वाले दूसरा नाम है पहला नाम अलोहीम। अलोहीम का मतलब क्रिएटर, सृष्टिकार ग्रेट गॉड है महान परमेश्वर है ऑसम परमेश्वर है अद्भुत परमेश्वर सुपर नेचुरल परमेश्वर है वो कुछ भी कर सकता है और कितना लोग विश्वास करेंगे हेलो लोहिया वो चंगा कर सकता है कर सकता है वो घर दे सकता है वो गाड़ी दे सकता है बात पे उन्नति दे सकता है सब कुछ कर सकता है ओके okay, दूसरा यहोवा जो से बोलो यहोवा तो मालूम है यहोवा पहला यो उत्पत्ति और निर्ग, निर्गमन में कम से कम 6,800 बार छ हजार बार यहोवा का वर्णन किया यहोवा अब देखिएगा पड़ेगा उत्पत्ति और जहां यहोवा अंडरलाइन करो छ हजार आठ सौ तेवीस बार यहोवा का नाम आया है कितना इंपॉर्टेंट आपको मालूम है एलोहिम तो परमेश्वर है दूत लोग एलोहिम से जानते हैं पर और आप सिर्फ एलोहिम नहीं हम यहोवा के द्वारा जानते हैं समझ रहे हैं? किसी को बोलो समझ रहे हैं यहोवा यहोवा मतलब यहोवा मतलब एवर लास्टिंग आनंद कालिक हमेशा उपस्थित है हेलो लुया परमेश्वर का नाम उसका काम से डिराइव करते हैं जो परमेश्वर काम करता है उससे उसका नाम प्रकट होता है हमें लोहिम प्रकट हो कैसे हुआ क्योंकि वो सृष्टि करता है यह क्या है वो फेलोशिप करता है जो शो बोलो फेलोशिप पर्सनैलिटी फे है परमेश्वर व्यक्तिगत व्यक्तित्व तो है व्यक्तित्व पर्सनालिटी पर्सनालिटी क्या है क्या है व्यक्तित्व तो, व्यक्तित्व तो क्या है पर्सनालिटी पर्सनालिटी मतलब मन भावना इच्छा व्यक्तिगत हेलो लोहिया लो, वो फेलोशिप करता है तूत लोग परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ एलोहिम से जानते हमारा यहोवा से जानते यहोवा हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर के साथ हर शाम को आदम और से मिलने के लिए परमेश्वर ऐदन की वाटिका में आते थे क्यों फेलोशिप करने के लिए कम्युनियन करने के लिए हेलो लोहिया हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यशु हमारा परमेश्वर को यहोवा के तौर से जानता है जोर से बोलो यहोवा चिला के बोलो यहोवा यहोवा क्या करता है परमेश्वर को इसलिए हम परमेश्वर को हर रोज जान सकते कैसा है वो इसलिए मूसा बोला क्या बोला परमेश्वर मुझे और जानने का है पाउल बोला मैं मुझे परमेश्वर और मुझे बताओ कितना बोलेंगे मैं और परमेश्वर के बारे में जानेंगे कैसे जानेंगे यहोवा के द्वारा यहोवा परमेश्वर हमें प्रकाश देता है रेवलेशन देता है रीमा लिखित वचन को रीमा बनाते हैं कौन यहोवा परमेश्वर तो लोग समझ रहे हैं। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं क्या मैं किसी को जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूं परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है हालेलुया क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है हालेलुया समझ रहे यहोवा का मतलब हालेलुया वो जीवित है मेरे अंदर पवित्र आत्मा किधर है मेरे अंदर है वो मुझसे बात करना चाहता है वो मुझसे कम्युनियन करना चाहता है वो मुझसे मेल मिलाप करना है, हैं रिश्ता बनाना चाहते इसलिए हमारा परमेश्वर रिश्ता वाला परमेश्वर है हेलो जितना आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएगा उतना आप आशीष पाएगा सबसे लंबा रिश्ता आपका जीवन में परमेश्वर होने का है हलो लोहिया उसके बाद पति पत्नी का रिश्ता हेलो लोहिया रही कहता लोग सुन रहे हेलो लोहिया वो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं। वो मेरे साथ बात करते वो मेरे साथ संगति करता है हमारा परमेश्वर अद्भुत है वो कुछ तस्वीर और मूर्ति नहीं है वो बात करने वाला वो जिंदा है वो जीवित है वो मुझसे बात करता है कितना लोग आज से बात करेंगे कैसे बात करते हैं परमेश्वर यहोवा 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 Yehova, 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 Zinda Kuda, Amara, Fadisha, Yehova, Zinda Kuda, Vu Amara, Fadisha, ओके okay? okay? जब जब हौा ने सर्व से बात कर रहा था हवा परमेश्वर को यहोवा के समान पहचाना नहीं अगर पहचाना रहता है सर्फ भागना पड़ता था कोई सुन रहा मुझे हवा ने पहचाना नहीं परमेश्वर को यहोवा के समान अगर यहोवा से वार्तालाप करता तो सांप से वार्तालाप नहीं करता था कोई कि नहीं कोई सुन रहा मुझे हलो लोहिया परमेश्वर को यहोवा करके जाना नहीं इसलिए फुर्सत में बैठा तो कौन आ गया पूछ हिला के परमेश्वर यू कहा वो कहा क्योंकि हवा ने परमेश्वर को यहोवा करके नहीं समझा जाके पढ़ना उत्पत्ति दो के दो के वचनों को मेरे पास समय नहीं बोलने के लिए हलो लोहिया लॉर्ड कितना लोग सुन रहे हैं लोहिया उत्पत्ति तीन तीन और चार दूसरा वाक्य उत्पत्ति पांच दो जाके पढ़ना हेलो लोहिया हम और आप परमेश्वर को यहोवा करके जानते हैं जोर से बोलो यहोवा वो मेरे संगति करता है हम उसको महसूस करते हैं जैसा मैं इस पंखा के नीचे खड़ा रहेगा वो तो हवा मुझे लगता है उसी तरह मैं परमेश्वर को महसूस करता कैन फील माई गॉड को महसूस करता हूँ लोहिया तीन उसका तेरह और चौदह माई गॉड जल्दी से जाने पड़ेगा हलो लोहिया से परमेश्वर कहता है हा? Yes. निर्गमन के किताब तीन उसका तेरह चौदह मूसा ने परमेश्वर से कहा मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इसराइलियों के पास जाकर जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे ये कहूँ ये कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने पितरों का परमेश्वर मुझे तुम्हारे पास भेजा है तुम्हारे पास भेजा है तब यदि वे मुझसे पूछे तब वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है तो क्या नाम है तब मैं उनको क्या बताऊँ मैं उनको क्या बताऊँ परमेश्वर ने जब परमेश्वर परमेश्वर से मूसा बात कर रहा है कैसा पूछो कैसा यहोवा के समान बात कर रहा है मूसा बात कर रहा है परमेश्वर बात कर रहा है क्यों अभी तक मानव जाति परमेश्वर को यहोवा करके नहीं जानता था मूसा को पहले बार प्रकट कर रहा है यहोवा के समान इसलिए वो बात कर रहा है किससे बात कर रहा है मूसा से बात कर रहा है परमेश्वर जब मैं इसराइली लोग के पास जाऊंगा तो मैं उनको क्या बताऊं किससे बात किया बताऊं तो मूसा कहता है आगे क्या परमेश्वर ने मूसा से कहा परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं मैं जो हूं सो हूं। सो हू मैं उस... जो हूं सो हूं जाके उनको बोलो मैं जो हूं सो हूलो जो को बता आपसे कौन बात किया मैं जो हूं सो जो हूं अल्फा हूं मैं ओमेगा हूं मैं सब कुछ शुरू करता हूं मैं सब कुछ खत्म करता हूं मेरा कोई शुरुआत नहीं मेरा कोई अंत नहीं जाके बोलो मैं जो हूं, सो हूं। पहला बार परमेश्वर मूसा को यहोवा के समान प्रकट हो रहा है मूसा बात कर रहा आप इसलिए मूसा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वाला व्यक्ति जो व्यक्ति बोलो सुनो जो व्यक्ति परमेश्वर को यहोवा के समान पहचान लेगा परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा उसके द्वारा बड़े बड़े कार्य करेगा बोलो ना परमेश्वर हर रोज तू मुझे प्रगट होने यहोवा के समान तब यहोवा प्रगट होगा ना आप फिर इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं घटू और परमेश्वर मुझ में बढ़ू क्योंकि पौलुस भी वही व्यक्ति था जो परमेश्वर को यहोवा जैसा समझा हाल सुन रहा मुझे निर्गमन के लिए किताब छट्टा दिया है उसके दो तीन चार निर्गमन छठा दिया है और परमेश्वर ने परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूं मैं यहोवा हूँ कौन हूं मैं? मैं परमेश्वर नहीं बोला मैं यहोवा हूँ मैं संगति करने वाला मैं फेलोशिप करने वाला मैं अगर जिससे बात करना चाहता हूं वो मुझसे बात करने के लिए तैयार है तो मैं यहोवा हूं हालेलुया मेरी रोंगटे खड़ा और पता नहीं मैं को समझा पा रहा हूं अगर एक व्यक्ति भी आज पकड़ लेगा जिंदगी को प्रभु बदल डालेगा अब दुनिया को उल्टा पुलटा करने वाला हो जाएगा जोर से बोलो मैं यहोवा को पहचानता हूं आज से मैं यहोवा से संगति करूंगा आ, क्या लिखा है? और परमेश्वर ने अच्छा, आ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ ईश्वर के नाम से ईश्वर के नाम से इब्राहिम इब्राहिम इस, हाँ, इस हाँ, और याकूब को दर्शन देता याकूब को दर्शन देता था, था। परंतु परंतु नाम से यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ यहोवा के नाम से नहीं प्रकट उनको मैं के नाम से प्रकट हुआ इसलिए मैं उनसे वाचा बांधा हूँ पर उन वाचा को तेरे द्वारा मैं पूरा करेगा क्योंकि तूने यहोवा के समान पहचाना है माय गॉड, इसलिए मूसा को इतना इस्तेमाल किया हो क्योंकि मूसा पहचाना यहोवा कौन है परमेश्वर यहोवा कौन है, है कोई मेरे परमेश्वर, जब आप चलता है परमेश्वर आपको प्रकट करता है जब आप सोता है परमेश्वर आपको स्वप्न दिखाएगा जब आप चलेगा परमेश्वर आपको दर्शन दिखाएंगे हालेलुया है कोई मेरे साथ क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं वह परमेश्वर रिवील करता है परमेश्वर कौन है क्या कर सकता है क्या करने वाला है आपका जीवन आपको क्यों रखा है लॉर्ड लोग सुन रहे हैं? लेवी के किताब में देवी। देवी का किताब क्या है याजकों की किताब है यहाँ पर याद लोग परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाते थे आपको मालूम है पूरा लेवी में दो बार एलोहिम आया और बार, बार क्यों? बलिदान करते थे वो लहू चढ़ाते थे लोहिया इसलिए जब आप स्तुति आराधना करता हैं ना मत सोचो कुछ नहीं होता है। आप यहोवा से मुलाकात करते परमेश्वर यहोवा से मुलाकात करते इसलिए किसी को बोलो समय पर आओ स्तुति आराधना करो प्रभु आपको रिवील करेगा आने वाला हफ्ता महीना ये दुनिया में आपके जीवन में क्या होने वाला करता यहोवा परमेश्वर के बारे में आपके बारे में प्रकट करता है जैसे बोलो परमेश्वर मेरे बारे में मेरे बारे में परमेश्वर के बारे में दूतों के बारे में के बारे में धरती के बारे में मुझे प्रकट करता तो व्यक्ति परमेश्वर को यहोवा के समान पहचानते कितना लोग आज से बोलेंगे परमेश्वर आपको तो खाली नहीं मैं यहोवा के समान पहचानूंगा आज से आप मुझे वार्तालाप करूंगा आज से आप मुझे बात करेगा आप मुझे धरती में बात करेगा मकसद को प्रभु बात करेगा हालेलुया हलो लोहिया एलोहिम हमेशा क्रिएशन के ऊपर क्रि, सृष्टि के ऊपर परमेश्वर सृष्टि में इन्वॉल्व रहता है परमेश्वर संगति फेलोशिप के लिए इन्वॉल्व इतना नाम इंपॉर्टेंट है, आत्मा, भवित्रु आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में यहोवा परमेश्वर फेलोशिप करता है जब आप गाते हैं परमेश्वर आपके साथ फेलोशिप करे आप और परमेश्वर एक हो जाएगा फिर जो भी आप बोलेगा परमेश्वर उसे पूरा करेगा हेलो लुइया प्रेज़ द लॉर्ड कितना लोग सुन रहे हैं एलोहिम क्रिएशन क्रिएटिव आपके पास कितने नहीं है परमेश्वर विश्वास करता है आप ही मैं आप नया किडनी देगा प्रभु आपको पक्का नया किडनी देगा वो क्रिएशन करने वाला कुछ नहीं से सब कुछ बनाया पर जहां पर परमेश्वर यहोवा होता है वो संगति करता है आपको परमेश्वर के बारे में परमेश्वर की बातों में चला इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही रस्ता हूं मैं ही जीवन हूं मैं ही सत्य हूं आपको करेगा समझाएंगे इसलिए शिमो से बोला मैं जो अभी बोल रहा है, तुम लोग नहीं समझोगे पर जब पवित्र आत्मा आएगा तुम जब उसके साथ संगति करेगा सब कुछ परमेश्वर के बारे में आज जो मैं बोल रहा हूं तुम तब समझेगा हालेलुया जोश जो से बोलो यहोवा परमेश्वर परमेश्वर के बोलो यहोवा परमेश्वर इतने लोगों को समझ में आया कितने लोग समझ गया अगर पकड़ लेगा ना आज के बाद आप परमेश्वर के साथ चलेगा मेरा परमेश्वर मेरे साथ चलता है मेरा परमेश्वर अपनी बुद्धि को मेरी बुद्धि को भरता है मेरा परमेश्वर अपनी आंखों से मुझे दिखाता है वो है यहोवा परमेश्वर वो उसके हाथों से हम स्पर्श करेंगे बीमार लोग चंगाई पाएंगे पहला Elohim. दूसरा होगा कितने समझ में आया बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वीडियो को बार बार देखो तभी आप समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। पहले बात मैं आपको आपका छत के ऊपर से जाएगा जब आप समझ जाएंगे ना मूसा और पाउलोस दर्जा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा लो इसलिए मूसा भी बोला अपना जीवन के छोर में अंतिम छोर में बोलता है परमेश्वर मैं तुझे और जानू से बोलो ना परमेश्वर मैं तुझे और जानू वो कैसे होगा यहोवा परमेश्वर जोर से जो बोलो यहोवा, ओके तीसरा नाम से बोलो तीसरा माय गॉड किसी को बोलो भारी होते जा रहा है, जोर से जो जो बोलो ना भारी हो रहा है समझ में आ रहा है कि समझ के बाहर जा रहा है अरे ओके तीसरा नाम उत्पत्ति पंद्रह उसका दो एडोनाई जो से बोलो एम स्टाइल से बोलाई का मतलब मास्टर मालिक मतलब, प्रभु लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ये प्रभुओं का प्रभु है हेलो लोहिया परमेश्वर खुद में खुद है, सब कुछ है वो कंप्लीट है हेलो लोहिया इसलिए आप एडोनाई से भरा रहेगा शैतान भागेगा से बोलो मैं से भरा रहेगा शैतान क्योंकि वो मालिक है इस धरती का मालिक जब आपको भर जाएगा इस धरती में धोखा देने वाला भाग जाएगा आपस बोलता हूं। किसी बोलो सुना अगर आप इस धरती के मालिक से आप भर जाएंगे तो धोखा देने वाला भाग जाएंगे कौन है धोखा देने वाला कौन गिरा है स्वर्ग से शैतान झूठ का पिता कौन है जब आप, आप मालिक से भर जाएगा एडोनाइज से भर जाएगा तो शैतान आपसे भाग जाएंगे आप जहां निकलेंगे शैतान भाग जाएंगे इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शैतान की सामना करो पर कई लोग एडोनाइज से नहीं भरते परमेश्वर से नहीं भरते और शैतान की सामना करते शैतान धुलाई करते हैं कोई सुन रहे मुझे आपके अंदर वचन नहीं है आपके अंदर दुनिया भरा हुआ है आप शैतान की सामना नहीं कर सकते आपको एडोनाइज से भरने का मास्टर से भरने का ओके पढ़ेंगे उत्पत्ति उत्पत्ति पंद्रह उसका दो अब्राहम ने अब्राहम ने कहा कहा हे प्रभु यहोवा हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूँ हे प्रभु यहोवा अब्राहम ने क्या बोला हे मालिक हे प्रभुओं का प्रभु हे प्रभु यहोवा हालेलुया हाँ और मेरे घर का वारिस यह दमिक्ष दमिश की एलिएजर होगा ने क्या बोला हे hey प्रभु जो से बोलो हे hey प्रभु प्रभु मतलब प्रभु तो करने वाला सब कुछ का सब कुछ वो मालिक है यीशु मसीह कौन है प्रभुओं का प्रभु है हम कौन है प्रभु हम प्रभु है इसलिए यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है हम सबको मिलाकर प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह कोई सुन रहा है हलो लोहिया लोग सुन रहे हैं एडोनाय जोशी बोलो एडोनाय वो मेरा मालिक है वो मेरा प्रभु हर रोज बोलो यीशु मेरा प्रभु है हर रोज बोलो एडोनाय मेरे साथ है मेरा मालिक मेरे साथ है मेरा बॉस मेरे साथ है मेरा बाप मेरे साथ है कितना लोग बोलेंगे भागेगा आपका टूटा हुआ अवस्था प्रभु मेंड करेगा प्रभु टूटे हुए रिश्तों को जोडेगा क्योंकि वो एडोनाई है हलेलुया प्रेज द लॉर्ड कितना हो गया पहला एलोहिम दूसरा यहोवा तीसरा एडोनाई चौथा एल शदाइ जोश बोलो एल शदाइ एल शदाइ सब कुछ प्रबंध करने वाला आमीन उत्पत्ति 17 उसका एक दो एक और दो जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया आ, जब, इब्राहिम निनान वर्ष उसको आप खुद का संतान नहीं निन्यानबे वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा परमेश्वर ने दर्शन दे के कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ मेरी उपस्थिति में चल मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा जा सिद्ध होता जा। और मैं तेरे साथ साथ मेरे मैं, साथ साथ, Sorry, मैं तेरे साथ 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 मैं तेरे वाचा बांधूंगा तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा अत्यंत ही बढ़ाऊंगा फ्रूटफुलनेस फलदाई मल्टीप्लीकेशन हमारा परमेश्वर क्या है एल है आपके पास एक लाख रुपया वो दस लाख करने के लिए कुछ नहीं है भाई मल्टीप्लाई करता है जोर से बोला ना मेरे हाथ में अगर एक लाख रुपया प्रभु से दस लाख करने के लिए एल सदाई परमेश्वर मेरे साथ है आपका एक घर है प्रभु आपको दो घर बनाने के लिए एल सदाई परमेश्वर मेरे साथ है फ्रूटफुल फलदायी इसलिए यीशु परमेश्वर ने पहला उत्पत्ति एक उसका अट्ठाईस में क्या लिखा है क्या लिखा है मैं तुझे आशीष करता हूं हा? पढ़ो एक अट्ठाईस उत्पत्ति एक अट्ठाइस फलो फूलो और पृथ्वी पर जोर से बोलो फलो फूलो और पृथ्वी पे पर, पर, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी परमेश्वर ने किसको आशीष दी उनको आशीष दी उनको आशीष की और उनसे कहा और उनसे कहा फूलो फलो फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ फूलो फु, फलो पृथ्वी में भर जाओ कौन सा परमेश्वर हेल श्रदाई इसलिए यीशु मसीह बोला चोर आता है चोरी करने घात करने नाश करने के लिए पर बोला मैं आया ताकि तू कोई सुन रहा है कैसा जीवन फूलों फलों और पृथ्वी में भरने का बहुत आय का जीवन देने के लिए गॉड को अलशदाई पर बोलोदाई हेलो लोहिया रही एल अलशदाई नोरिश करता है अल्टिमेट करता है नोरिश बोलेगा तो पालन पोषण जैसे आप झाड़ लगाता है पानी डालता है उसमें फर्टिलाइजर uh, डालते हैं आप क्या कर रहे हैं नूरिश कर रहे हैं उसी तरह जब आप प्रभु से कनेक्टेड रहता है प्रभु आपकी हर जरूरतों को पूरा करे आप फलवंत होगा आपको फल फल और फल लाते रहे कोई सुन रहा मुझे क्योंकि वो एल शदाई परमेश्वर सब कुछ प्रबंध करने वाला बोलो सब कुछ प्रबंध करने वाला ऐसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा जैसे माता संभालती है मेरा संभालेगा हालेलुया 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 हाल वो हमारा माँ जैसे हमें संभालता है हालेलुया परमेश्वर मेरा माँ है तो कहते हैं ना क्या कहते हैं अः मां अपने बच्चों को संभालते उस तरह संभाल देखो ये भूमि को भारत क्या बोलते हैं भारत कहां से आया इधर से आया एल श्रद्धा भारत माता हेलो परमेश्वर मेरा माँ है वो मुझे माँ के समान संभालता है अपने आंचल में ले चलता है लोहिया मुझे लोरी सुनाकर रातों को नींद देता है वो मेरी माँ है लोग सुन क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं ऐशिया एशिया, की किताब तिरपन एक जो समाचार हमें दिया गया जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया उसने किसने विश्वास किया और का यहोवा का भुज बल, बल किस पर प्रकट हुआ ओके चौथा okay? एल पांचवा पांचवा यहोवायरा जोश बोलो जायरा जे आई आर एच यहोवायरा उत्पत्ति बाईस उसका दो उत्पत्ति बाईस दो यहोवा उसने कहा आ, अपने, पुत्र को अर्थात, आ, अपने पुत्र को अर्थात अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इस हक हाँ को आ, हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने सौ साल में एक बेटा देता है और परमेश्वर कहता है उसे तुम जाकर मोरिया पर्वत पर जाकर उसे बलि चढ़ा सॉरी अब्राहम जाकर उसे मोरिया पर्वत पर चढ़ाता है चौदो वाक्य देखेंगे चौदह वाक्य और इब्राहिम उस स्थान का नाम यहोवा रखा उस्तान का नाम यहोवा रखा। क्यों मतलब है? मालुम है मालूम मालूम जब वो पर को चढ़ाया को चढ़ाया और जैसे मारने वाला था तो परमेश्वर मत मार और तुरंत क्या होता है उधर एक मेमनांद मिलता है उस समय वो कहता है परमेश्वर प्रकट होता है गॉड इज सीन क्यों से बोलो गॉड जगह का नाम उसने यहोवा जायरा रखा प्रभु मेरा परमेश्वर प्रगट होता है मेरी परिस्थितियों पे वो प्रगट होता है मेरे प्रॉब्लम पर वो प्रगट होता है gorlyah! मेरी हर चीजों पर वो प्रगट होता है यहोवा यहोवा जायरा जायरा बोलो पांचवा यहोवा हर परिस्थिति में वो प्रगट होता है और उस जगह का नाम अब्राहम ने क्या रखा यहोवा ओका छटा यहोवा राफा जो से बोलो यहोवा चिल्ला के बोलो राफा हम सबको मालूम है हा? आज भी हम गाए गाना गाए यहोवा राफा चंगाई दाता तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं यहोबा सात रहता। पूरा करता मेरी ओके उसका छब्बीस को पढ़ेंगे और भजन सहित एक सौ तीन एक से तीन घर में जाके पढ़ना ओके पंद्रह छब्बीस हमें इस समय तक लोग चंगाई के बारे में नहीं मालूम था परमेश्वर उस इस राष्ट्र के लिए चंगाई का बड़ा योजना करता है पढ़ेंगे छब्बीस कि यदि तू यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का अपने परमेश्वर यहोवा का वचन वचन तन मन से सुने तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में जो उसकी दृष्टि में ठीक है ठीक है वही करे वही करे और उसकी आज्ञाओं पर उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने और सब विधियों को माने तो जितने रोग जितने रोग मैंने मिजरियों पर भेजा है आरोप में भेजा हूँ उनमें से उनमें से एक भी तुझ पर एक भी तुझ पर न भेजूंगा न भेजूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा मैं, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला चंगा करने वाला हूं। यहोवा राफा हूँ हलो मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा राफा है भजन सहिता एक सौ तीन उसका एक से तीन भी पढ़ना घर में जाके पढ़ना वो मेरा चंगा है इसलिए मैं बोलता हूँ मैं बिना बीमारी का जीऊंगा वो मेरा यहोवा हमारे जोर से बोलो हर रोज बोलो यीशु मसीह मेरा यहोवा राफा है हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड ओके कितना हो गया सातवा वो मेरा यहोवा निसी है निर्गमन सत्रह उसके आठ और पंद्रह पंद्रह वो वाक्य पढ़े सत्रह पंद्रह मूसा ने एक वेदी बनाकर मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम उसका नाम यहोवा नीसी रखा नीसी रखा उधर क्या हुआ था वो विजय पाया था क्या है जय का झंडा विजय का झंडा विजय का बैनर हलो लोहिया लोग सुन रहे हर रोज हमको जय के उत्सव में प्रभु लेके जाता है क्योंकि वो मेरा यहोवा नीसी है कोई मेरे साथ जो से बोलो यहोवा निसी मेरे साथ है हर रोज मैं विजय पाऊं जो से बोलो हर रोज मेरे लिए हार नहीं मेरे लिए जीत ही जीत है हा, 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 हा। जो से बोलो हर रोज मेरे लिए जीत ही जीत है ओके यहोवा निसी यीशु मसीह आपको लीड करता है यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी हरी में मुझे चरा लाखों रुपये में वो ए, बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोल आ, जब शपट के बात करता तो हरी हरी होता है जब हमारे और आपके बात करते तो परमेश्वर बोलता है मैं तुझे लाखों और करोड़ों रुपये में लेके चलेगा खोपड़ी खुल गया कि बंद हो गया इसलिए मैं एक क्लब बनाने जा रहा हूं लाखपति क्लब कितने लोग बनेगा क्लब का मेंबर दो दो पार्टी मिल गई हमको वन लाख क्लब उस क्लब में एक होगा पहला पहला आप एक लाख का आ, मैं समय नहीं है मैं, तो, मैं तो अंदर डाल देता आपके आज ही एक लाख रुपया टूजे था <laughs> उस उस क्लब में एक ही होगा लाख कमाने वाले लोग और जब हाँ अमेन बोला नहीं ना कोई बात नहीं मैं मैं बोल रहा जब एक लाख का क्लब हो जाएगा फिर दस लाख का क्लब बनाएगा क्योंकि मेरा दर्शन बहुत बड़ा है भाई ग्राउंड्स और स्टेडियम्स खरीदने के ही है ए, 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 ए। अगर लाखपति नहीं रहेगा तो कहां से बाँ? मेरे को फॉरेन फंड नहीं इंडिया का फंड चाहिए भाई मैं फॉरेन जाके वापस इंडिया में आया क्योंकि इंडिया में बहुत फंड है मैं दो पेटी लेकर गया गया था गया था वापस एक ही पेटी में आया <laughs> जब मैं एयरपोर्ट में आया तो मेरे भाई लोग बोला भैया इसमें इसमें क्या उसका पकड़ने वाला अरे भाई पकड़ने वाला लेके आता मैं आता नहीं था यार पकड़ने वाला जो मिला सो भागो चलो प्रभु की अभिषेक है पकड़ने वाला पकड़े देखने वाला देखे हंसने वाले हंसे पर कुछ तो हो रहा है इधर इसी को बोलो कुछ हो रहा है तो जोर से बोला नहीं अभिषेक में प्रभु कुछ यहोवा निसी okay. सातवा यहोवा निसी आठवा यहोवा हाँ, हा, लेवी देश का है ना जैसा बस, बीस का सात आरोप घर में जाके मैं मख वो शुद्ध करता है इसलिए परमेश्वर बोला यीशु मसीह बोला मैं जैसा पवित्र है तू पवित्र क्योंकि वो शुद्ध करता है मुझे मैं शुद्ध हो नहीं सकता नंगा पाव चढ़ कर सिर मुंडवाकर पुण्य स्थानों में जाकर मैं शुद्ध नहीं हो सकता परमेश्वर मुझे शुद्ध करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करते कि यीशु मसीहा है वो परमेश्वर का संतान है किसी को बोला मेरे विश्वास में समर्थ है कि मैं पवित्र हो जाऊ भगवान जोर से बोलो ना मेरे विश्वास में समर्थ है आ, कि मैं पवित्र हूं मैं करके पवित्र नहीं होता मैं विश्वास करके पवित्र होता मैं वचन के द्वारा पवित्र होता मैं यशु के लहू के द्वारा पवित्र होता है नवा यहोवा शालोम शालोम मतलब पीस शांति का वो शांति का राजकुमार है हमें न्याय के किताब छो मैं पढ़ूंगा नहीं टाइम नहीं मेरे पास मेरे को खत्म करने का जल्दी से किसी को बोलो जल्दी से देख के लो घर में जाके पढ़ो थोड़ा ध्यान करो अब आशीष पाएंगे हाँ छे का चौबीस न्याय की किताब छे चौबीस यह मगर इसलिए परमेश्वर कहता है मैं जो शांति देता हूं दुनिया दे नहीं सकता मेरा जो शांति है ना दुनिया के सोच और समझ के बाहर है हले ओके दसवा यहोवा रोही मतलब यहोवा मेरा शरवा है वो हरी हरी मुझे भजन संहिता तेवीस उसके याद परमेश्वर मुझे नो लाख पे चलाना चाहते नो खर्च पे चलाना चाहते यहोवा मेरा चरवा है जोश बोलो यहोवा यहोवा रोही रोही मतलब रो चरवाहा दाऊद पहचाना था दाऊद क्या कहा चरवा वो जानते थे भेड़ और चरवा का रिश्ता इसलिए वो कहता यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं, नहीं है हरी हरी चरा मुझे स्नेह स्ने से चलाता ओके okay. कितना हो गया दस ओके घर okay. में जाके स्पेलिंग भी ले लेना एस आई के आई एन यू सीखेन ओके क्या ग्रीक शब्द है उसका मतलब उसका मतलब परमेश्वर मेरा निधिमता मैं हर के पवित्र नहीं होता है परमेश्वर का निधिमता मुझे ट्रांसफर होता है मैं जब यीशु मसीह पे उसके क्रूस की सामत को विश्वास करता हूं उसका निधिमता मुझ पर राज्य करता है यहोवा सीखेनु जोश बोलो यहोवा सीखेनु जोश बोलो नहीं यहोवा मैं आपको परमेश्वर बुलाया बिना पाप का जीने के लिए इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है मैं पाप के लिए मर गया मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं हालेलुया यहोवा सीखे नू बोलो सीखे नू हालेलुया कोई दोष नहीं रोमियो के किताब में लिखा है नो कंडमनेशन को कोई दोष नहीं लगा सकता क्योंकि प्रभु ने अपनी नीति मता मुझे दिया है He has given me his righteousness. मैं प्रभु के सामने right standing, righteousness मतलब परमेश्वर के सामने राइट खड़ा होना सही सोच सही विचार सही चाल अब्राहम को बोला तू मेरे साथ सीधा चलेगा मैं तुझे संतान दूंगा परमेश्वर मेरा निधिमता है इसलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर है मुझे हर रोज पवित्र करता है, हर रोज निधिमान बनाता है इसलिए हर रोज मुझे पवित्र आत्मा को बोलने का है मुझे यीशु मसीह जैसा बना यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है जो तो यीशु मसीह जैसा है पवित्र आत्मा मेरे अंदर मुझे यीशु मसीह जैसा बनाता है ओके बारवा जोश बोलो बारवा चिल्ला के बोलो बारवा यहोवा शम्मा यहोवा शम्मा, शम्मा। येशकील 48 टू 35 शम्मा मतलब परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की अभिषेक तो परमेश्वर की महिमा जल्दी से पढ़ेंगे बारह चीज बारह नाम परमेश्वर का बारह नाम पावरफुल नाम अगर आप इस नामों को हर रोज ध्यान करेंगे आप पावरफुल व्यक्ति होने वाला है पहला एलोहिम दूसरा यहोवा तीसरा एडोनाई चौथा एल सदाई पांचवा मक्कदेश शालोम यहोवा रोही यहोवा सिखेनु यहोवा शम्मा ये सारा वचन आप देखेगा ना पुराने नियम में पूरा देखो हमारा नाम जो है पुराने नियम में क्यों नया नियम में नहीं है दुबे आया है और जो मत बोलना हाँ क्यों नया नियम में नहीं है ना क्यों नहीं है क्योंकि इन सारा नाम एक नाम में आता है फिलिपियो दो उसका नौ दस ग्यारह फिलिपियो दो उसका नौ दस ग्यारह पुराने नियम के लोगों को कितना तकलीफ होता था भाई गहुआ राफा यहोवा वह यहोवा शम्मा यहोवा शाम यहोवा मकदेश याद करते ही भूल जाएंगे हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु आपने मुझे एक नाम में उसे पूरा बारह नाम पूरा दुनिया परमेश्वर के नामों को समा दिया उसका नाम है यीशु मसीह आपको है यीशु मसीह में सारा बारह नहीं जितना और नाम है सब भर दिया पढ़िए इस कारण इस कारण परमेश्वर ने उसको परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया अति महान किया किसको यीशु मसीह को हाँ और उसको वह नाम दिया उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है वो सब नामों में श्रेष्ठ है सात हुआ आठ पढ़ो नौ दस ग्यारह पढ़ो माय गॉड रेवलेशन है उसमें आठ और और, और मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ मनुष्य के रूप में 2000 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ अपने आप को दिन किया अपने आप को नम्र किया और यहाँ तक आज्ञाकारी यहाँ तक आज्ञाकारी बनाया म्रित्यु। म्रित्यु। हाँ की मृत्यु मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु क्रूस की मृत्यु लिया इस कारण इस कारण परमेश्वर ने उसको परमेश्वर ने उसको परमेश्वर ने यशु मसीह को अति महान भी किया अति महान किया और उसको वह नाम दिया उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है सब नामों में श्रेष्ठ नाम हाँ तो हमको सर्व नामों में श्रेष्ठ नाम दिया है वो यीशु मसीह दूसरा वो नाम है हालेलुया, तीसरा वो नाम है आमेन आपको मालूम है आमेन का मतलब ही यीशु मसीह है हालेलुया इसलिए हम है? बार बार हालीलिया बोलते हैं लोग पूछते हैं बार बार आप हालीलिया को बोलते हैं। क्योंकि वो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है सारे नामों का बंडल है भाई जोर से बोलो पैकेज है कोई पैकेज टूर गया सुबह का नाश्ता है लंच है डिनर है सारा पैकेज उसमें है फ्लाइट का है और ट्रेन का भी है जोर से बोलो यशु मसीह सारा पैकेज है परमेश्वर जब यीशु मसीह को एक प्लान में भेजा ना हमारे लिए सारा पैकेज का बना के डाल दिया कैसा ऐसा ऐसा एक गोला बना के डाल दिया यीशु मसीह इसलिए मैं कहता हूं हम मानव जाति के उत्तम समय में अगर आप पहचान लेंगे परमेश्वर को इनामों के द्वारा यीशु मसीह को इसलिए मैं बोलता हूं हर रोज आप यीशु मसीह को जितना जानेगा आप आशीष पाएगा क्यों बोला सर्व नामों में श्रेष्ठ नाम है यीशु मसीह जोर से बोला नामों में श्रेष्ठ नाम है आइए मेरा समय खत्म हो गया कितने लोगों को समझ में आया ये विषय जो मैं बांटा हूं कई बार महीना भर बांटा तो मैं एक घंटा में प्रचार किया हालेलुया ये इस इस वीडियो को बार बार देखो आपकी जिंदगी बदल जाएगी आपकी प्रभु के साथ संगति बदल जाएंगी आपके प्रभु का चंगाई पाने के लिए आप सामर्थ्य हो जाएंगे आप पावरफुल व्यक्ति हो जाएंगे आप बुलडोसर बन जाएंगे अल्हलो